श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्मा श्री सचिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। मैं पूजा कर ग्लोबल महापारायण के इंस्ट्रूमेंटल ओनर एंड फाउंडर ग्लोबल महापारायण परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे इस पद या जिम्मेदारी का आशीर्वाद और सम्मान ग्लोबल महापारायण के असली मालिक और संचालक जो कि शिरडी साई बाबा के अलावा अन्य कोई नहीं है, इनके द्वारा प्राप्त हुआ था। सबसे पहले आइए हम बाबा को इस कलयुग में महापारायण के साथ हमें आशीर्वाद करके हमारे आध्यात्मिक विकास पर काम करने के लिए धन्यवाद दें। इस कलयुग में महापारायण सायुग की एक और एक कदम है। यह निष्ठापूर्वक समर्पण और भक्ति के साथ कमिटेड रहना होता है और यही कारण है कि बाबा ने आप सभी लाखों भक्तों के बीच में आपको चुना है। तो बाबा के द्वारा आप सभी को यहाँ खींचे जाने के लिए बधाई। मैं इस अवसर पर आप सभी को आगे आने और इस वैश्विक महापारायण को सफल और संभव बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरी तरह से सुने और देखें और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि श्रद्धा और सबूरी के साथ एमपी में भाग लेने से आपका जीवन फिर से वैसा नहीं होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि महापारायण क्या है, महापारायण क्यों करना है और कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महापारायण कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है और बाबा खुद इसे निर्देशित कर रहे हैं। 25 जून 2017 रविवार के दिन बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने महापारायण का आदेश दिया। फिर 21 सितंबर 2017 को सौम्या जी को भी उन्होंने बताया कि महापारायण केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि समस्त लोक के लिए लाभदायक है। इतना ही नहीं, 7 जनवरी 2018 को बाबा ने सजल जी को स्वप्न द्वारा एक पहेली दी और जिसे हल करने में बाद में पता चला कि महापारायण अमृत काम है। जी हाँ, यदि अगर आप राम कन्हैया परमात्मा को इन तीन शब्दों को अंग्रेजी में लिखकर इनके 20 अक्षरों को रीअरेंज करते हो तो यह बनता है महापारायण अमृत काम। अगर आप इस पहेली वाली पोस्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप 8 अक्टूबर 2019 की पूरी पोस्ट को experiences.mahaparayan.com पर पढ़ सकते हो। आपके साथ में इतनी सारी डिटेल्स शॉर्ट में इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया आए कि वास्तविक अर्थों में एमपी हमारे बाबा द्वारा कैसे निर्देशित किया जा रहा है और इसीलिए इतने सारे चमत्कार भी हो रहे हैं। हमने 2016 में लोकल स्तर पर 48 भक्तों के साथ जो शुरू किया था, अब वह विश्व के 5 महाद्वीपों को जोड़ते हुए 6 लाख भक्तों तक पहुंच गया है और वो भी केवल इतने कम समय में, क्योंकि बाबा ही इसके पीछे हैं। यह साफ दर्शाता है कि बाबा ही इसका मार्गदर्शन और निर्देशन कर रहे हैं। आपको पता है महापारायण में कुछ ऐसी अनोखी लीलाएं हुई है जिससे आपको विश्वास नहीं होगा। महापारायण के लिए बाबा ने कुछ लोगों को स्वप्न द्वारा मार्गदर्शन भी किया है कि वे महापारायण में ज्वाइन करें। एक लीला तो इतनी प्रिय है, मैं आपको उसको शॉर्ट में बताना चाहूंगी। ये महापारायण के फर्स्ट सीजन के वक्त की बात है। उस दिन दिवाली का दिन था। सबसे पहले तो मैं उस भक्त संतोष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना साहस दिखाया ताकि बाबा की लीलाएं सब तक पहुंच सके। संतोष जी ने अपना पार्ट का पार्ट नहीं किया था और रिपीटेड फॉलोअप्स हो रहे थे वॉलंटियर द्वारा। वो वॉलंटियर और कोई नहीं, उनकी सगी बहन थी। पर बार बार फोन आने के कारण उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ लिया है और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने एक्चुअली उस दिन झूठी रिपोर्टिंग की। उन्होंने सोचा होगा कि मैं बाद में पढ़ लूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ, वे भूल गए। और अभी देखिए बाबा की लीला। दिवाली का दिन था, दिन भर काम में बिजी होने के कारण वो थक गए होंगे, तो 11 के आसपास उनकी आँख लग गई और बाबा उनके सपने में आए। उन्हें सपने में उन्होंने डांटा कि उन्होंने झूठी रिपोर्टिंग क्यों की और कहा कि उठो और अब अपना पाठ करो, अपना पाठ पढ़ो। तो वह जल्दी से उठ गए। उन्होंने टाइम देखा और 12 बजने में बहुत आधा घंटा था। उन्होंने फटाफट अपना चैप्टर पढ़ लिया और रिपोर्ट कर लिया। तो देखो बाबा ने कैसे उनको मतलब बताया कि मुझे पता है तुमने रिपोर्टिंग जो की है वो झूठी है। एंड उन्होंने उन्हें ठीक समय पे उठा के उनका 12 बजे से पहले पाठ पूरा करवाया।
तो इससे मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे मुझे जब पता चला। एंड एक लीला तो ऐसी भी हुई थी कि जहाँ पर बाबा ने लक्ष्मी जी को सपने में आकर कहा था कि आज तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स का वॉलंटियरिंग करना है, और उस दिन उनके ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा था, तब वो ग्रुप नया नया शुरू हुआ था, तो उन्होंने लगभग 13 या 14 चैप्टर्स पढ़े थे। तो एक लीला ऐसी भी हुई थी, उनका नाम सरोज था, जहाँ पे उन्होंने उस दिन थक जाने के कारण उन्होंने अपनी बहू को अपना चैप्टर पढ़ने को कहा। तो बाबा उस दिन उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 9वें अध्याय का पाठ करा के ही रहूँगा। तो एक तरफ बाबा ने किसी को स्वप्न द्वारा वॉलंटियरिंग करने के लिए निर्देशन किया, एक तरफ किसी को बताया कि मुझे पता है तुमने पढ़ा नहीं है और तुमने अपना चैप्टर वॉलंटियर कराया, एक तरफ उन्होंने फॉल्स रिपोर्टिंग किए तो उसका भी उन्होंने एहसास कराया कि उन्हें सब कुछ पता है। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि हमें महापारायण के लिए बाबा ने जो गिफ्ट दिया है इस कलयुग में, हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और बाबा इसके पीछे है और वो हर छोटी से छोटी चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। गाइडलाइन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। कृपया करके पैसे के मामले में प्लीज़ अब किसी को भी किसी भी प्रकार का मनोरंजन ना करें। हम किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं लेते हैं। कुछ लोग झूठी कहानियों और सहानुभूति के साथ साई के नाम पर स्वास्थ्य, भोजन, स्कूल की फीस और न जाने क्या क्या के लिए पैसे हड़प रहे हैं। कुछ इनमें से सही में ज़रूरतमंद भी हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह इसका अनुमान नहीं कर सकते हैं। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें, और आपके सामने यदि ऐसा कुछ भी आता है तो हमें आप complaintsmahaparayan@gmail.com पर मेल करें या फिर +44 791 001 5689 पर कविता कुमार जी, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, यूके में रहती है, उनको आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। सब कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सभी MP के समूहों से हटा दिया जाएगा। कृपया करके इस पावन महान मंच का दुरुपयोग ना करें। बाबा ने हमें इसे दिया है कुछ अच्छा करने के लिए। महापारायण में चुने जाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। महापारायण में आप पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हो। जब आप इसमें भाग लेते हो तो इसे जनरली लाइफ टाइम एनरोलमेंट माना जाता है, पर फिर भी किसी कारणवश अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप हमें एक रिप्लेसमेंट देना होगा। यदि आप रिप्लेसमेंट नहीं भी दे सकते हो तो भी कोई बात नहीं, पर फिर हम आपसे विनती करते हैं कि कम से कम 2 महीने पहले तो भी हमें सूचित करें, ताकि हम आपका रिप्लेसमेंट अरेंज कर पाए। इससे हमें हम अपने काम को अच्छे से करने के लिए मदद होगी। लेकिन छोड़ने से पहले एक बार फिर ज़रूर सोचिए, क्योंकि बाबा के चमत्कार और MP का महत्व जानने के बाद आप भी इसे छोड़ना नहीं चाहोगे। यदि समय का अभाव, स्वास्थ्य, छोटे बच्चे या अतिरिक्त जिम्मेदारियों यदि आपकी चुनौतियां हैं, तभी भी आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में भगवान की महिमाएं का पठन करना, गायन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही केवल वह चीज़ है जो धन आदि के विपरीत अनंत काल तक आपके साथ रहेगी। तो आइए हम कुछ गाइडलाइंस देखते हैं कि साक्षात चरित्र क्या है, पारायण क्या है और महापारायण क्या है। जैसे कि आप भगवद गीता, रामायण इन ग्रंथों के बारे में सुना है, वैसे ही साई सच्चरित्र भी एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें साई बाबा की लीलाएं का वर्णन किया गया है। साई बाबा जब शिरडी में अवतारित हुए थे, तभी उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए थे और बाद में भी चमत्कार कर ही रहे हैं, तो बस उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। साई सच्चरित्र को मैं एक जादुई लाल किताब भी कहती हूँ। यह किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम, विश्वास, निष्ठा और भक्ति के साथ अगर आप इसका पठन करते हो तो आपकी सभी इच्छाओं को ये पूर्ण कर सकती है। साई सच्चरित्र पारायण का अर्थ है जब आप साई सच्चरित्र ग्रंथ का पाठ पूरा करते हो। अगर हम इसे 7 दिन में पूरा करते हैं तो इसे सप्ताह पारायण कहते हैं। अगर हम इसे 40 दिन में पूरा करते हैं तो इसे 40वां पारायण कहते हैं। हम भगवान शिरडी साई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए महापारायण कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लाखों की पैमाद में इन्वॉल्व हैं। यहाँ हम बड़े पैमाने पर समूह सच्चरित्र पारायण कर रहे हैं, जहाँ दुनिया भर के लोग भाग ले रहे हैं। इसकी शुरुआत विश्व स्तर पर 2017 में हुई है,
क्योंकि 2018 में बाबा की महासमाधि को 100वीं वर्षगांठ थी। यह वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक स्मारक कार्यक्रम है। प्रत्येक गुरुवार को हर भक्त को अपने आवंटित 2 अध्याय पढ़कर व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट करना होता है। इस फॉर्मेट में एग्जाम्पल विद बाबाज ब्लेसिंग्स आई हैव कंप्लीटेड माय टुडेज रीडिंग, नेम पूजा कर, रोल नंबर 1, चैप्टर्स 1 और 2 कंप्लीटेड। हो सके तो व्हाट्सएप इमोटिकॉन्स में उपलब्ध है लाल, नीले, हरे या पीले रंग के हार्ट्स, अपने हाउस कलर के अनुसार वो भी अगर आप डिनोट करते हो तो इससे कप्तानों को इजीली उनके रिपोर्टिंग समझ में आते हैं उनके ग्रुप मेंबर्स के। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने कहा था महापारायण एक सामूहिक पारायण है, तो जब तक समूह का हर सदस्य अपना पाठ का पठन पूरा नहीं करता है तब तक ये पारायण अधूरा रहता है। हर महापारायण क्लासरूम में 48 डिवोटीज होते हैं क्योंकि साई सच्चरित्र में 48 चैप्टर्स हैं और इन 48 चैप्टर्स को हम 48 डिवोटीज में डिवाइड करते हैं। मान लो कि सारे 47 डिवोटीज ने अपने अपने अध्याय का पठन कर लिया, पर अगर आपने नहीं किया तो आपकी वजह से वो उस पूरे पारायण का पूरा होना संभव नहीं हो पाएगा। यदि अगर आप अपना पाठ पर पठन पूरा कर लेते हो तो वो पारायण पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आप 47 लोगों के एफर्ट्स को वेस्ट जाने से रोक सकते हो और आप 47 लोगों के एफर्ट्स के लिए पढ़ोगे और 47 लोग आपकी वजह से पढ़ेंगे। तो इस तरह इस सामूहिक पारायण में हम भी ग्रो होते हैं और दूसरों को भी ग्रो होने में मदद करते हैं। और इस तरह से महापारायण केवल 2 अध्याय पढ़ने का मतलब नहीं है, इसमें पूरे हम 2 पारायण का श्रेय प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम जब 2 अध्याय पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे बुक के 2 राउंड्स पूरे होते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं ग्रुप में रहकर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने आप से पढ़ लूँगा, पर डिफरेंस यह है कि अगर आप ग्रुप में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो पूरी बुक को 2 बार पढ़ने का श्रेय आप हर गुरुवार को प्राप्त करते हो। तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक गुरुवार को 2 अध्यायों को पढ़ा जाए और हर गुरुवार को सही तरीके से रिपोर्ट भी करें। यदि आप रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं तो हम इसे अपठित मानते हैं और उन अध्यायों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़वाते हैं, जो कि मुश्किल हो जाता है। यदि एक भी अध्याय बिना पढ़े रह जाता है तो उस समूह के लिए पारायण अधूरा रह जाता है और दूसरों ने भी जो पढ़ा है उनका प्रयास पारायण के प्रति व्यर्थ हो जाता है और हमें पारायण को दोहराना पड़ता है। इसलिए आप चाहे कहीं भी जाए उन 2 अध्यायों के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें पढ़ें या फिर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से पढ़वाएं। यदि आप वॉलंटियर भी कराते हो तो ठीक है, लेकिन फिर आप उस वर्ष के दौरान बाबा के लिए 108 पारायण के अपने उपहार को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि महापारायण इस तरह डिज़ाइन किया गया है, 54 वीक्स का प्रोग्राम होता है जिधर हर गुरुवार को आपके 2 पारायण पूरे होते हैं और साल भर में 108। तो हर व्यक्ति, हर भक्त अब बाबा के चरणों में 108 पारायण की माला अर्पित करता है। एंड आपको 108 का तो महत्व पता ही है कि कोई भी जाप या मंत्र का पठन 108 के काउंट्स में होता है। जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही सही तरीके से, सही जगह, सही फॉर्मेट में रिपोर्ट भी करना ज़रूरी है। लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। कभी कभी वो सही पढ़ते हैं और गलत रिपोर्ट करते हैं और कभी कभी गलत पढ़ते हैं और सही रिपोर्ट करते हैं। ये सब साई सच्चरित्र में जो धागा होता है उसके मिसप्लेस होने से भी होता है, या फिर कॉपी पेस्ट के चक्कर में पिछले मैसेज को जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके वक्त भी हो जाता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, जब भी आप आपका चैप्टर पढ़ें और रिपोर्ट करें तो ध्यानपूर्वक अपने चैप्टर्स चेक करें, पढ़ने के वक्त भी और रिपोर्टिंग करने के वक्त भी। आदर्श रूप से आपका पाठ अधिक प्रभावी होने के लिए साई सच्चरित्र को मंदिर में पढ़ना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप किसी भी स्वच्छ स्थान पर एकाग्र मन से पढ़ सकते हो और अपनी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सकते हो, तो बाबा को फिर भी अच्छा ही लगेगा। अब सच्चरित्र के अध्याय का ऑडियो जो यूट्यूब पर उपलब्ध है वो भी सुन सकते हैं। महिलाएं पीरियड्स के दौरान साई सच्चरित्र को पीडीएफ फाइल्स कंप्यूटर्स मोबाइल से और साई सच्चरित्र जो ऐप स्टोर पे अवेलेबल है उनसे पढ़ सकते हैं। वो ऑडियो में को सुन भी सकते हैं या फिर किसी से अध्याय पढ़वा सकते हैं और वे उसे सुन सकते हैं।
फोर्थ डे पे अगर हेड मैथ लिया हो तो सर धोकर साई सच्चरित्र को पढ़ सकते हो। या अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो किसी की या किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी आपको साई सच्चरित्र के 2 अध्याय का पाठ करना है। इससे जो भी दुनिया में आया है उस नन्हे बच्चे को कहीं ना कहीं बाबा का आशीर्वाद ही मिलेगा और जो इस दुनिया से गया है उसकी आत्मा को शांति ही मिलेगी। भले ही आपको इसका फल नहीं मिले पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सामूहिक प्रार्थना है तो किसी ना किसी को तो ये काम जरूर आएगा। तो इन शॉर्ट हमें सूतक पातक में भी पढ़ना है। कोई लोग पूछते हैं कि उपवास करना है क्या, या फिर नॉनवेज खा सकते हैं क्या, या फिर मंदिर जाना ज़रूरी है क्या। उपवास करना या फिर मंदिर जाना कंपलसरी नहीं है। बाबा को अन्नदान हमेशा से पसंद रहा है, इसलिए यदि संभव हो तो हर गुरुवार को भोजन दान करें। यदि नहीं हर गुरुवार को नहीं तो दशहरे के दौरान कम से कम वर्ष के अंत में अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए अन्नदान ज़रूर करें। इसीलिए सामूहिक पारायण के साथ सामूहिक अन्नदान निश्चित रूप से बाबा को प्रसन्न करेगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान कर सकते हो। आप कच्चा अनाज या पकाया हुआ भोजन 100 व्यक्तियों को या फिर कम से कम 1 व्यक्ति को, किसी गरीब या पशु और पक्षी को भी दे सकते हो। कलयुग में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है और सहज सच्चरित्र के चैप्टर 31 में भी कहा गया है। कृपया ध्यान दें कि भोजन दान अनिवार्य नहीं है। ओम साई राम या राम कृष्ण हरि जैसे मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करें। इसे करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा पर इससे जो आपको कृपा प्राप्त होगी उसका कोई मोल ही नहीं होगा। कृपया ध्यान दें मंत्र जाप करना भी अनिवार्य नहीं है। कृपया आप अपना यूनिक क्लासरूम नंबर नोट करें जो MP-Alpha Numeric Number-Class Teacher का नाम होता है। अपने कैप्टन या क्लास टीचर के फ़ोन नंबर को एक डायरी में भी नोट करें या मेल बॉक्स में रखें, क्योंकि इससे आपका यदि फ़ोन खो जाए टूट जाए तो आपको मदद होगी। क्लासरूम के नाम और DP किसी भी हाल में नहीं बदले जाने चाहिए। केवल पारायण संचार यानी पारायण कम्युनिकेशन के लिए ही समूह का उपयोग करें। प्लीज़ बाबा के चित्र वीडियो आदि भी पारायण ग्रुप में शेयर ना करें। आप इसके लिए अलग ग्रुप बना सकते हो। आप शनिवार या रविवार के कोई भी दिन कक्षा में अन्य भक्तों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए क्लास टीचर की अनुमति के साथ अपने साई एक्सपीरियंस को शेयर भी कर सकते हो। हालांकि आप इसे कभी भी पढ़ सकते हो लेकिन जितना जल्दी पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एक तो आपके दिन की शुरुआत एक अच्छे नोट पे शुरू होगी और आपको दिन भर आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ कनेक्टेड रहोगे। और आप भी जानते हो कि हमें लाखों लोगों को ट्रैक करना होता है, इसलिए आप जितना जल्दी पढ़ोगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए भी और वॉलंटियर्स के लिए भी। वैसे आप गुरुवार को 12 बजे से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं, यानी बुधवार की रात जब ख़त्म हो जाती है और 12 AM थर्सडे शुरू हो जाता है तब आप आपका पाठ पढ़ सकते हो। कुछ मेंबर्स कुछ एक्सेप्शंस के साथ अन्य देश के टाइम जोन में है। मान लो इंडिया का ग्रुप है और उसमें सारे फैमिली मेंबर्स होने के कारण कुछ 1-2 मेंबर्स USA के ग्रुप्स के भी होते हैं, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पर उन लोगों को भी अपने ग्रुप के टाइम जोन अनुसार पढ़ना होता है। एक ग्रुप का टाइम जोन उस अनुसार तय होता है जिसमें ज़्यादा लोग उस देश के होते हैं। और इसी तरह अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हो तो आपको आपकी कक्षा के समय अनुसार ही पाठ पढ़ना होगा, यानी जिस ग्रुप में आप अलॉट किए गए हो आपको गुरुवार को उस टाइम जोन के अनुसार ही पढ़ना है, यानी आपकी कक्षा के टाइम जोन के अनुसार, अन्यथा बाकी लोगों का पारायण अधूरा रह जाएगा। आदर्श रूप से इसे गुरुवार समाप्त होने से पहले पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन वैश्विक स्तर पर होने के कारण आप अपने टाइम ग्रुप के टाइम जोन के अनुसार शाम के 7 बजे से पहले पढ़ लो और रिपोर्ट कर लो और आपका और आपके साथियों का प्रयास सफल करें। मैं वॉलेंटियर से भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके अपने टीम मेंबर्स को 7 o'clock तक का पढ़ने का टाइम ज़रूर दे। आप उन्हें बेशक रिमाइंडर्स भेजिए पर जो पढ़ने के लिए एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप होता है वो 7 o'clock तक ना करें।
आप अपने अनुसार आपका प्रयास बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट ये भी समझिए कि हर इंसान की प्रायोरिटीज, हर इंसान की दिनचर्या और लाइफस्टाइल अलग होती है और हमें उनको भी समझना चाहिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपनाएं, ज़्यादा लोग इस पथ पर चलें। और बाबा ने भी हमें हमेशा श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाया है, तो थोड़ी सी सबूरी हमें इसमें भी सीखनी चाहिए। और मैं रीना से भी विनती करूँगी कि वॉलेंटियर्स को आप समझें कि उनको लाखों लोगों के साथ चलना है, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर जिम्मेदारी के रूप में निर्धारित होती है, तो आप उनके साथ थोड़ा कॉपरेट करिए। गुरुवार के दिन थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठिए और अपना दिन अच्छे तरह से शुरू करिए, तो उनको भी जितना आप जल्दी पढ़ के डाल सकते हो तो अच्छा है। तो आप 7 o'clock तक तो पढ़ ही सकते हो, और बाय चांस किसी रीज़न से कभी लेट भी हो रहा है तो आप एक मैसेज छोड़ दीजिए कि आज मुझे लेट होगा, मैं 8 बजे तक पढ़ लूँगा, पर सी टू एट कि आप जिस टाइम पे बोल रहे हो फिर आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। आइए अब देखते हैं महापारायण में अनोखा क्या है। महापारायण एक वैश्विक सामूहिक प्रार्थना है जिसमें दुनिया भर के लाखों भक्त जादुई लाल किताब साई सत चरित्र के 2 अलॉटेड चैप्टर्स को पढ़कर कई पारायणों को संभव बनाकर भाग ले रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में कई सकारात्मक वाइब्स में योगदान भी दे रहे हैं। महापारायण को शेड्यूल इस तरह बना गया है कि हर भक्त हर गुरुवार को सिर्फ 2 अध्याय पढ़कर हर साल 108 पारायण करता है। 108 के महत्व को तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि कोई भी जाप 108 की गिनती में ही किया जाता है। वास्तव में पुस्तक पढ़ने के केवल 2-2.5 राउंड ही पूरे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम समूह में पढ़ते हैं इसलिए कहीं ना कहीं हम 108 पारायण के लिए योगदान बनते हैं। माना कि हर गुरुवार को हम जैसे 2 ही अध्याय पढ़ते हैं, पर फिर भी क्योंकि यह सामूहिक प्रार्थना है, हर गुरुवार को आप पूरे 2 राउंड का भागीदार बनते हैं। इसी तरह पूरे 54 वीक्स के प्रोग्राम में 108 बार पूरी किताब पढ़ने का श्रेय पाते हैं। तो आप सामूहिक प्रार्थना की शक्ति को भी समझ सकते हो। जितना बड़ा समूह होता है उतना ही वो प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। इसके अलावा बाबा ने भी स्वयं आदेश दिया है, प्रेरित किया है और व्यावहारिक प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए आपको बस इतना समझने की आवश्यकता है कि आपको हर गुरुवार आपके आवंटित 2 अध्याय का पठन करना है और उसे ना भूलें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सही तरीके से रिपोर्ट करना है। एलोकेशन लिस्ट में नीचे उल्लेख किया गया है कि अगर आपकी किताब में 53 अध्याय है तो जब भी आपको 51वां अध्याय है तो आपको 52 और 53 अध्याय का भी पाठ करना है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होता है जिनके किताब में 53 अध्याय है, और यह पुस्तक में विशेष रूप से मराठी, गुजराती और कन्नड़ पुस्तकों में देखा गया है। हर गुरुवार को सिर्फ आप 2 अध्याय पढ़कर, यानी हर हफ्ते आधा घंटा, यानी महीने में 2 घंटे, तो साल में 24 घंटे, जो कि आपके जीवन का सिर्फ एक दिन है, आप वास्तव में बाबा के लिए 108 पारायण की एक माला बना रहे होंगे। पर याद रहे कि आप एक भी गुरुवार एक भी अध्याय पढ़ने से ना चूके। जनवरी 2019 में बाबा ने मुझे बहुत ही चमत्कारिक रूप से 1 करोड़ों में बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाया था, जो कि था 6046616176। मुझे पता है ये बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर बाबा ने इसे दिखाया है तो वे ही सुनिश्चित करेंगे कि MP एक दिन कई भक्तों तक पहुँचे और उससे भी अधिक आंकड़े हम उपलब्ध कर पाएंगे। और श्रद्धा और सबूरी के साथ हम जल्द ही बाबा के आशीर्वाद से अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, क्योंकि स्वयं उसे वे निर्देशित कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमने जो स्थानीय स्तर पर 48 भक्तों के साथ शुरुआत की थी, वह अब 2022 में भी 5 महाद्वीपों को जोड़ने वाले वैश्विक स्तर पर 6 लाख भक्तों तक पहुँच गया है। यदि आप अगर आप आगे आते हैं और इसे हासिल करने में हमें मदद करते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। अमीर लोग अपने माता पिता या प्रियजनों के नाम पर स्कूल, अस्पताल बनाते हैं। अगर हम भी कुछ करना चाहें तो हम अपने माता पिता या प्रियजनों के नाम पर बाबा की स्पिरिचुअल एकेडमी ऑफ ग्लोबल महापारायण में एक कक्षा, स्कूल या यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, वह भी केवल आपके समय, प्रयास और भक्ति से। यहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है। महापारायण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं, आप या भक्तों का अत्यंत समर्पित समूह संचालित कर रहा है। यह बाबा और केवल बाबा ही है जो संचालन कर रहे हैं।
बाबा ने झूठी रिपोर्टिंग का ध्यान रखा, अध्यायों को स्वेच्छा यानी वॉलंटियरिंग का भी ध्यान रखा। इस तरह सपनों में और अन्य लीलाओं के माध्यम से एमपी के निष्पादन का निर्देश दिया था। उन्होंने कुछ लोगों को एमपी में रजिस्ट्रेशन कराने या एमपी छोड़ने के बाद वापस एमपी में शामिल होने के लिए भी निर्देशित किया। उनकी लीलाएं अनंत हैं और हम केवल अवाक हैं, तो बस श्रद्धा और सबूरी रखें और हो सकता है कि आप आशीर्वाद पाने वाले अगले व्यक्ति हो। तो यह सब जानने के बाद साई भक्त अपनी अंतिम सांस तक एमपी को नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि बाबा ने इसे अमृत काम तो कहा ही है और वे अधिकतम संख्या तक इसे पहुँचाना भी चाहते हैं। आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि महापारायण को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच प्रचार करें और एमपी के लिए कम से कम दो भक्तों के रूप में बाबा को अपनी दो पैसे की दक्षिणा प्रदान करें। यदि दो नहीं तो कम से कम एक, और उन्हें आगे ऐसा ही करने के कहे। जब हम दिए से दिया जलाते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सिर्फ एक या दो दिए जलाने से कितने दिए जलेंगे और हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हर कोई कम से कम एक या दो भक्तों का योगदान देकर इस सेवा में योगदान दे सकता है। कोई भी सेवा अकेली नहीं की जा सकती। यदि संभव हो तो 12 भक्तों की जिम्मेदारी के रूप में कप्तान की सेवा ले सकते हो। यह आपका भला ही करेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, प्रोफेशनल, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करते हुए घर या ऑफिस से ही बाबा को कुछ सेवा प्रदान कर सकता है। कृपया याद रखें कि बाबा अपनी बेसिक जिम्मेदारियों का त्याग करके कभी भी किसी सेवा का स्वीकार नहीं करते हैं। धन, भोजन या दान देना केवल सेवा का रूप नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए अपना बहुमूल्य समय और प्रयास देना और उन्हें अच्छे काम करने की प्रेरणा देना भी बाबा की ही सेवा है। बाबा सेवा का आशीर्वाद अवश्य देंगे। आप जितना जल्दी पढ़कर रिपोर्ट करते हो उतना ही आप अपने कप्तानों की मदद करते हैं। कृपया ध्यान दें कि आप अपनी कक्षा के टाइम जोन के अनुसार ही पढ़ना है। किसी विशेष देश के भक्तों की अधिकतम संख्या द्वारा तय किया जाता है उस ग्रुप का टाइम जोन। यदि एक अध्याय बिना पढ़े रह भी जाता है तो उस वर्ग के लिए संपूर्ण पारायण को दोहराना पड़ता है। तो याद रखें कि आपका पढ़ना आपकी कक्षा के 47 अन्य भक्तों के प्रयासों से जुड़ा है। कभी कभार रिपोर्ट करना ठीक है कि आपको पढ़ने में देरी हो जाएगी, लेकिन इसे आदत ना बनाए। कप्तान भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई प्रतिस्पर्धा या दौड़ नहीं है। कृपया www.mahaparayan.com पर जाकर अपना एक्सपीरियंस सबमिट करें या फिर mahaparayanexperiences@gmail.com पर ईमेल भेजें। आप हमारे महापारायण यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो के रूप में अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हो। अच्छाई फैलाएं और यह आपके पास कई गुना होकर वापस लौटेगी। कृपया हमारे महापारायण के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ग्लोबल एमपी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और आध्यात्मिक और तकनीकी रूप से भी यह सब बहुत मायने रखता है। अंत में कृपया करके एमपी के लिए 2 मेंबर्स का योगदान करना ना भूलें और उन्हें ऐसा करने के लिए कहें। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपने 2 सदस्यों के 2 पैसे दक्षिणा के छोटे से योगदान के साथ कितने जीवन को ज्ञानवर्धक बनाया है। याद रखें कि एमपी केवल सामूहिक प्रार्थना नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का भी बीमा है, जहां आप स्वयं और आपकी आत्मा को भी अगले जन्म में भी आपके अच्छे कर्मों का लाभ मिलेगा। यदि आप एमपी के लिए चुने गए हो तो कृपया अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें, क्योंकि बाबा निश्चित रूप से आपके सच्चे विश्वास और भक्ति को आशीर्वाद देंगे। experiences.mahaparayan.com ब्लॉग पर आपको गर्भावस्था, नौकरी, घर, सफलता, वीजा, स्थायी निवासी, स्वास्थ्य, विवाह, रिश्ते, इच्छा पूर्ति, व्यापार और वित्त मामलों में जैसी कई खूबसूरत और अविश्वसनीय लीलाएं मिलेंगी। बाबा की कृपा से कैंसर जैसे रोग भी झुक गए और ठीक हो गए। उन्होंने कई से कई जीवन पूरी तरह से बदल दिए। बाबा सपने में भी आए और लोगों को एमपी में शामिल होने के लिए, सेवा करने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने चैप्टर रीडिंग और झूठी रिपोर्टिंग के लिए डांट लगाई। एक और उन्होंने कुछ लोगों को गुरुवार को अध्याय पढ़ने के लिए स्वयं सेवा करने के लिए निर्देशित किया, तो कुछ लोगों को अपने अध्याय को वॉलंटियर पढ़ने के लिए डांटा भी, वॉलंटियर करवाने के लिए डांटा भी। वास्तव में उनके तरीके अचूक है और सुनने में भी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह हकीकत है।
तो यह सब दिखाता है एमपी सिर्फ दो अध्याय नहीं पढ़ा रहा है बल्कि उससे भी आगे निकल रहा है, क्योंकि बाबा खुद एमपी के निर्देशक हैं। सामूहिक प्रार्थना की शक्ति हमारी कल्पना से भी परे है। समूह जितना बड़ा होता है उतना ही मजबूत और प्रभावी होता है, इसलिए कृपया यह सोचकर समूह के बाहर न निकले कि आप इसे स्वयं करेंगे। सामूहिक प्रार्थना अद्भुत काम करती है। हम जो पढ़ते हैं उसे लागू करना भी उतना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सब दिखाता है कि यह एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल घटना है जिसे बाबा स्वयं ही कर रहे हैं, और एमपी के इस यात्रा में कई लीलाएं भी दिखा रहे हैं। यदि बाबा ने चाहा तो मुझे जर्नी ऑफ महापारायण नामक एक पुस्तक अवश्य ही लिखवाएंगे, ताकि दुनिया को भी हर कदम पर होने वाले चमत्कारों के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा और उन्हें भी इस महापारायण के दौरान आनंद से भरे हर क्षणों का अनुभव करने का मौका मिलेगा। आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि सच्चरित्र में वर्णित बाबा के महान भक्त जैसे बायजामाई, श्यामा, मालसापति जी, खुशाल चंद जी, आगे की पीढ़ियां भी एमपी परिवार का हिस्सा है। महापारायण एक महायज्ञ है जो साईं बाबा ने कलयुग में अपने भक्तों के पापों को, दोषों को जलाने के लिए और उनको अपने प्रेम की और आशीर्वाद की ऊर्जा देने के लिए शुरू किया है। जब हम महापारायण की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, जो कि एक वैश्विक सामूहिक प्रार्थना है, विश्व स्तर पर लाखों भक्त इससे जुड़ जाते हैं और अपनी जादुई लाल किताब श्री साई सच्चरित्र से अपने दो अध्याय पढ़ते हैं, तो उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा समस्त लोक के लिए काम करना शुरू कर देती है और बाबा के भक्तों के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को एक के बाद एक खत्म करने लगते हैं। साई के आशीर्वाद से नए भी हाँ हो जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए हम अधिक से अधिक भक्तों तक महापारायण का प्रसाद और परिचय देकर इन सकारात्मक वाइब्स के बल को बढ़ाने का प्रयास करें। आइए हम बाबा ने ही दिखाए हुए माध्यम से अच्छे काम करने के लिए उनका माध्यम बने। अच्छी चीजें करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। धन्यवाद इतना साहसी होने के लिए। ओम साईं राम।